अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरमा फुरूतन की एक औलाद पैदाइशी से ही हाफिज़े कुरान अल्लाह की एक अजीब व गरीब निशानियां। जी हाँ दोस्तों, फरहान की पैदाइश छठे महीने में ही हो गई थी और माँ एक साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूरोलॉजिस्ट और इंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनकी जहनी मफलूजों ने और ब्लड रीजन जैसे कई इमराज का पता चला। मोहतरमा फुरूतन से एक और सवाल किया गया कि क्या अब ये पूरी तरह से बोल पाते हैं। मोहतरमा फुरूतन ने जवाब दिया कि कुछ अल्फाज का लफ्ज ठीक से अदा नहीं कर पाते, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोल सकते हैं। अल्लाह की निशानी और दलीलों में से एक फरहान हुज्जते खुदा है। मोहतरमा फुरूतन के तीन बच्चे हैं। फरहान पहली औलाद है। फरहान की मुश्किलात का अंदाजा तब हुआ जब फरहान की पैदाइश छठे महीने में ही हो गई थी। चूंकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई, दो महीनों तक रेंकों में रहे, एक साल तक मोहतरमा की अजीब कैफियत थी। मोहतरमा को यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साल तक जब फरहान के चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और इंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनकी जहनी मफलूजों ने और ब्लड रीजन जैसे कई इमराज का पता चला और फिर मोहतरमा को कबूल करना ही पड़ा। दूसरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारियां नहीं थी। यकीनन एक माह के लिए बहुत दुश्वार है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद ना जाने कैसी कैसी आरजुएं होती हैं। माँ बच्चों के बोलने, खेलने कूदने और शरारतों का इंतजार करती है। फिर अचानक मालूम हुआ कि बच्चों के साथ ये मुश्किलात है। फिर मोहतरमा फरहान के इलाज में लग गई। ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के रहम करम से 3 साल की उम्र से चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। मोहतरमा ने बताया कि फरहान बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ्फुज सही से अदा नहीं कर पाते, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोल लेते हैं। मोहतरमा से सवाल किया गया कि मोहतरमा आप कब मुतवज्जा हुई कि फरहान हाफिज़े कुरान है। मोहतरमा ने जवाब दिया, जब मैं घर में थी तो फरहान के मदरसे से कॉल आई तो मुझसे दरियाफ्त किया गया कि मोहतरमा फुरूतन क्या फरहान कुरान की क्लास में जाते हैं। मोहतरमा ने कहा नहीं। फिर मोहतरमा ने सवाल किया कि क्यों, क्या हुआ। कहने लगी, क्या आप जानती हैं कि फरहान पूरे कुरान के हाफिज हैं। मोहतरमा शॉक्ड रह गई। मोहतरमा के लिए यह बात काबिले कबूल नहीं थी क्योंकि फरहान ने कभी कुरान की तालीम हासिल की ही नहीं थी, कुरान के दर्स में कभी गया ही नहीं था। मोहतरमा ने बताया कि बस ये एक मौजजा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे लिए भी ये काबिले कबूल नहीं। फरहान से जब मुअल्लिम हजरात ने सवाल किया और वो भी ऐसी सवालात, इतनी टफ सवालात कि जो आज के दौर के हाफिज कुरान भी इतनी जल्द कुरान के सूरे के साथ आयत का जवाब नहीं दे सकते हैं कि ये कौन सी आयत नंबर का सवाल है। तो सवाल नंबर 1 आप भी मुलाहिजा फरमाएं। मसलुल्लज़ीन तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया। फरहान ने बिला झिझक सूरे का नाम और आयत नंबर बताई, सूरे अनकबूत आयत नंबर 41। फरहान से दूसरी सवाल की गई, हद्दिल उन्सैन। फरहान ने जवाब दिया, निसा, सूरे निसा आयत नंबर 176। फिर तीसरी सवाल की गई, फबी अय्यि आला रब्बिका ततमारा। फिर फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे नज्म आयत नंबर 55। फिर चौथी सवाल की गई, फअग्रैना बैनहुम अलअदावत वलबग्वा इला यौमिल क़ियामा। फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे माईदा आयत नंबर 14। फिर पांचवी सवाल की गई, वला तुतिअ अलकाफिरीना वलमुनाफिकीना वदा अदाहुम वतवक्कल अलल्लाह। फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे अहज़ाब आयत नंबर 47। इसके बाद जब छठी सवाल की गई कि वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाह, फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे कसस आयत नंबर
87। इसके बाद जो वहां पर लोग बैठे थे, कुरान उनके सामने पेश की गई और फिर पूछा गया कि आप जिस आयत पर हाथ रख दें फिर उसी आयत का सवाल फरहान से की जाएगी। फिर लोगों ने जिस आयत पर उंगली रखी उस आयत का सवाल फरहान से किया गया। आयत नंबर भी सुन ले और सूरह भी मुलाहिजा फरमा ले कि सवालात नंबर 7, इन्नल्लाह यअलमु मा यदउन मिन दूनिही मिन शय। फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरह अनकबूत आयत नंबर 42। इसके बाद फिर दूसरे हजरात ने एक आयत पर उंगली रखी, उसका सवाल किया गया तो फरहान ने फौरन जवाब दिया। सवाल नंबर 8 किया गया, अफमन काना अला बय्यनतिम मिर रब्बी। फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरह हूद आयत नंबर 17। इसके बाद जितने भी मुअल्लिम हजरात वहां बैठे थे, अब उनसे सवाल की गई फरहान से कि आप इन मुअल्लिम हजरात में जिनका जो नाम है उस नाम पर उस आयत का तिलावत फरमा दें। तो एक मुअल्लिम थे जिनका नाम हामिद था, अब हामिद के नाम पर एक आयत का तिलावत फरहान से सवाल किया गया कि एक उस्ताद मोहतरम जिनका नाम हामिद है उनके ऊपर एक आयत करीमा का तिलावत फरमा दें। फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे तौबा आयत नंबर 112। अब आयत भी आप सुन लें, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस साजिदून। अब एक दूसरे उस्ताद मोहतरम जिनका नाम रिजवान था, इनके नाम पर भी एक आयत का तिलावत फरहान से सवाल किया गया। फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे आले इमरान आयत नंबर 15, वरिज़वानुम मिनल्लाह। एक तीसरे उस्ताद के बारे में सवाल किया गया जिनका नाम अहमद था, फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे सफ आयत नंबर 6, मिनल अदि इस्मुहु अहमद। अब चौथे उस्ताद के बारे में सवाल किया गया जिन उस्ताद का नाम था गुलाम, फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे मरियम आयत नंबर 19, लिआबला के गुलाब गुलामन ज़किया, लिआबला की गुलामन ज़किया। अब पांचवें उस्ताद मोहतरम जिनका नाम हसनैन था, उनके बारे में फरहान से सवाल किया गया तो फरहान ने फौरन जवाब दिया, सूरे तौबा आयत नंबर 52, इहदल हुस्नैन। अब एक और उस्ताद मोहतरम जिनका नाम रिसालत था, रिसालत बुंसुरी, इसके बारे में भी फरहान ने फौरन एक आयत का तिलावत जिस सूरह और आयत का नाम बताया, जो सूरह जिन आयत नंबर 23, इल्ला बलागम मिन अल्लाह व रिसालाती। अब फरहान से और भी ज्यादा सख्त सवाल की गई और वो सवाल कुछ यूं थी और इस तरह थी कि एक उस्ताद मोहतरम जिनकी कैफियत के ऊपर, जिनकी हालत के ऊपर फरहान से सवाल किया गया कि इनकी कैफियत और इनकी हालत के ऊपर एक कुरानी आयत का तिलावत फरमाएं, एक कुरानी आयत का सूरह और आयत नंबर बताएं। फरहान ने फौरन ये सुनते ही जवाब दिया, सूरह रात आयत नंबर 28, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب। फरहान की पैदाइश छठे महीने में ही हो गई थी और माँ एक साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। बात जब इनकी बीमारी की तरफ मुतवज्जा हुई तो इसके इलाज के लिए कमर बस्ता हुई। इनके घर में मामूर के मुताबिक तिलावत कुरान भी होती थी। मदरसे की तरफ से मालूम हुआ तो बताया गया कि फरहान मुकम्मल हाफिज़े कुरान है, वो भी ऐसे और इस कैफियत के हाफिज जो आपने अभी मुलाहिजा फरमाया। अल्लाह की निशानियों का इनकार करेंगे, जदीद और मॉडर्न जमाने में जब हर चीज को तोला और परखा जाता है, ऐसे दौर में फरहान हुज्जते खुदा है, अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक। फरहान के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह फरहान को पूरे तौर पर सेहत याब फरमाए और जबान की लड़खड़ाहट को दूर फरमाए
और उस माँ की हर परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।